क्या T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर? ऐसे बन रहे हैं समीकरण कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है महामुकाबला। ICC का वो नियम जो पाकिस्तान को पहुंचा सकता है सेमीफाइनल में, दक्षिण अफ्रीका के उड़े होश। 2007 के बाद फिर बन सकते हैं ऐसे हालात कि दूसरी बार आपस में भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है, जिसके बाद आने वाले दिनों में ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं जिससे भारत और पाकिस्तान फाइनल खेलते हुए नजर आए। हालांकि अब तक भारत और पाकिस्तान सिर्फ एक बार ही T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने टकराए हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब नीदरलैंड कुछ कमाल कर दे। दरअसल टीम इंडिया को आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे से खेलना है। इस मुकाबले को जीतने पर भारतीय टीम के 8 अंक हो जाएंगे और वो अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर भारत जिम्बाब्वे का मुकाबला धुलता भी है तो भी भारत 7 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल के लिए बांग्लादेश को मात देना होगा। साथ ही ये दुआ भी करनी होगी साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से अपना मैच हार जाए या वो मुकाबला बारिश के चलते धुल जाए। नीदरलैंड की टीम अगर मैच को जीतती है तो साउथ अफ्रीका के 5 अंक ही रह जाएंगे। साथ ही बारिश के चलते नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच धुलता है तब भी पाकिस्तान बांग्लादेश को हटाकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के भले ही 6-6 अंक होंगे, लेकिन अफ्रीकी टीम की तुलना में पाकिस्तान ने एक बार मुकाबला ज्यादा जीता होगा। ICC नियमों के मुताबिक दो टीमों के बीच समान अंक रहने पर पहले जीत की संख्या देखी जाएगी। अगर टीमों ने बराबर जीत हासिल की हुई है तो ही नेट रन रेट का मामला बनेगा। अगर ये समीकरण सही बैठते हैं तो भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान की टीम अपना अपना सेमीफाइनल मैच जीत जाती है तो फिर 13 नवंबर को महामुकाबले की बारी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।